हेलो बच्चों, वेलकम बैक। पिछले क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ा था, जो कहता है कि वॉल्यूम पर सेकंड फ्रॉम अ कंटेनर इज कांस्टेंट, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द वेलोसिटी ऑफ लिक्विड का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, या ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू रहता है। इसका हमने डिटेल डेरिवेशन देखा था। और ये है क्या, ये है कि जितना पानी आ रहा है उतना ही पानी जा रहा है पर सेकंड। अब उसको तुम मास पर सेकंड बोलना चाहो या वॉल्यूम पर सेकंड बोलना चाहो, बात देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जितना मास आ रहा है उतना ही मास जा रहा है। और मास को लिखना चाहे लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट रहती है, तो हम कहते हैं वॉल्यूम पर सेकेंड एंटरिंग इज इक्वल टू वॉल्यूम पर सेकेंड लीविंग द कंडक्टर, कंडक्टर यानी द पाइप कंडक्टिंग दैट लिक्विड। ये हमने पढ़ लिया था। फिर बारी आई थी बर्नौलीज थ्योरम की, शॉर्ट में बीटी लिख दिया करेंगे। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके लिक्विड्स का, फ्लूड मैकेनिक्स में, फ्लूड मैकेनिक्स में नॉन विस्कस लिक्विड का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है बर्नौलीज थ्योरम। नाउ बिफोर अंडरस्टैंडिंग द थ्योरम कुछ बातें करते हैं इससे रिलेटेड, और फिर थ्योरम तुरंत समझ में आ जाता है। कैसे, देखो, अ लिक्विड कैन हैव फॉलोइंग एनर्जीज, ठीक, एक लिक्विड में इतनी एनर्जीज हो सकती हैं। पहली, ड्यू टू द फ्लो, ड्यू टू द मोशन, काइनेटिक एनर्जी, दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं इसको, बहुत अच्छी तरह हमको पता है काइनेटिक एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द पोजिशन और हाइट, यानी वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जाहिर सी बात है, क्या था फॉर्मूला, एम जी एच। और तीसरी, इसे कहते हैं बच्चों प्रेशर एनर्जी, प्रेशर एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर इनटू द वॉल्यूम। तो बच्चों प्रेशर एनर्जी इज ऑल्सो अ पोटेंशियल एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। मतलब जैसे अगर हम बात करें, एक बैलून ले लो या एक पॉलीथीन ले लो जिसके अंदर पानी भरा है, पॉलीथीन के अंदर पानी भरा है। अब उस पॉलीथीन में पानी जिसमें भरा हुआ है उसमें एक होल बना दो, ऐसे पकड़ रखी थी पॉलीथीन, उसमें होल बना दिया तो उससे पानी निकलना शुरू हो जाता है, पानी की सर्टेन वेलोसिटी। अब अगर इस पॉलीथीन में ऊपर नीचे करेंगे तो ठीक है, इसके हम पोटेंशियल एनर्जी चेंज करते हैं, हाइट बदल रही है। इसको लेके अगर हम दौड़ेंगे तो चलो ठीक है, पूरे पॉलीथिन के पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। अब इसको हम ना ऊपर नीचे ले जाए बच्चों, ना दौड़े, सिर्फ इस पे प्रेशर अप्लाइड बढ़ा दो। जैसे प्रेशर अप्लाइड बढ़ाओगे क्या ऑब्जर्व करोगे, कि यहां से पानी की धार की स्पीड बढ़ गई। क्यों, स्पीड बढ़ने से क्या हुआ, स्पीड बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर कोई एनर्जी कहीं बढ़ती है तो कहीं और एनर्जी उसमें कन्वर्ट हो रही होती है। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का इंक्रीज आया है प्रेशर दबाने बढ़ाने से, तो इट मीन्स सम एनर्जी समवेयर इज कन्वर्टिंग इनटू दिस काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज में, इंक्रीमेंट जो हो रहा है। तो इट मीन्स द एनर्जी पजेस्ड बाय द वर्च्यू ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज प्रेशर एनर्जी। पी और वी का प्रोडक्ट आप डायमेंशन निकालोगे, इट इज इक्वल टू जूल। प्रेशर एनर्जी, प्रेशर जो अप्लाई करते हैं सर्टेन वॉल्यूम पे, वो जो एनर्जी एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं उसकी प्रेशर एनर्जी, ठीक है। तो लिक्विड के अंदर तीन एनर्जी हो सकती है, बाय द मोशन, बाय द वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी बाय द पोजीशन और द हाइट, पोटेंशियल एनर्जी बाय द प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर एनर्जी। तो तीन एनर्जी हो गई। अब बर्नौली थ्योरम क्या कहता है, बर्नौली थ्योरम इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। बर्नौली थ्योरम सिंपल कहता है कि सारी एनर्जी का सम इन अ लिक्विड, सारी एनर्जी का सम
is always constant. The sum of all the possible energies in a liquid equal to constant. तो एनर्जी कौन कौन सी है? काइनेटिक, पोटेंशियल, प्रेशर, यानी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस एम जी एच प्लस पी इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट. दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बर्नौलीज थ्योरम एंड वेरी सिंपल, इट इज बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. ठीक है, तो पहले आप ये एनर्जी लिख लीजिए, पॉसिबल एनर्जीज, उसके बाद बर्नौली थ्योरम के स्टेटमेंट लिखते हैं और फिर देखेंगे कि बर्नौली थ्योरम को थोड़ा सा मॉडिफाई और करेंगे तो स्टेटमेंट वही रहेगा, एक्सप्रेशन थोड़ा सा बदल जाएगा. तीनों एनर्जी आप लिख लीजिए इसी तरह से, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड द प्रेशर एनर्जी. बर्नौली थ्योरम अब क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थ्योरम सम ऑफ ऑल द एनर्जीज ऑफ अ लिक्विड ऑलवेज remain constant, that is dash kinetic energy plus potential energy plus pressure energy remain constant. इसका मतलब क्या हुआ, Bernoulli's theorem is based on conservation of energy principle. Yeah, Bernoulli's theorem obeys law of conservation of energy. Okay, according to the theorem, sum of all the energies of a liquid always remain constant. That is, half mv square plus mgh plus pv equal to constant. The theorem is based on conservation of energy principle. अब बच्चों याद रखो, जब भी लिक्विड की बात आती है या गैसेस की बात आती है, फॉर अ लिक्विड और गैसेस और फ्लूइड,
वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम, मतलब किसी कंटेनर में कितना वॉल्यूम है, यानी कोई अगर पानी बह रहा है तो वहां पे हम मास बाय मास एक ही पार्टिकल का मास नहीं देखते हैं। जैसे हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में क्या देखा था, वॉल्यूम एंटरिंग इक्वल टू वॉल्यूम लीविंग, यानी इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं, एक ही पार्टिकल मास नहीं पकड़ते हैं, इतना वॉल्यूम बह गया, इतना वॉल्यूम कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया, घट गया, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम बात करते हैं। ठीक, तो क्या हुआ, फॉर अ लिक्विड वी ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी इन प्रैक्टिकल यूज ऑल द एनर्जीज ऑफ द लिक्विड आर टेकन पर यूनिट वॉल्यूम, आर टेकन पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज डैश, यानी जो भी आपने एनर्जी ली थी तीनों, वो सारी एनर्जी हो जाएंगे अब पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पर मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, रिएक्शन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो अल्टीमेटली बात वही रहती है, क्योंकि सभी को आपने क्या किया, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब अगर बच्चों वॉल्यूम से डिवाइड कर दोगे तो तुमको मालूम है मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, तो जहां जहां मास अपॉन वॉल्यूम वहां लिख देंगे रो, दैट इज डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो हमारी एनर्जी का रिलेशन क्या बन जाएगा, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस मास अपॉन वॉल्यूम रो जी एच प्लस वॉल्यूम कट गया, केवल प्रेशर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अब वही स्टेटमेंट बर्नौली थ्योरम का, जो पहले सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर एनर्जी को ऐड करके इक्वल कर रहे थे हम कांस्टेंट के, अब वही स्टेटमेंट पर यूनिट वॉल्यूम हम कन्वर्ट करेंगे और बात करेंगे इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी, हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच प्लस पी, पी इज प्रेशर इक्वल टू कांस्टेंट, इसको लिख लो, नीचे मिट गया वो, ये था फॉर अ लिक्विड वी टॉक in terms of their volume. So, for in practical use, all the energies of the liquid are taken per unit volume. Divided by volume करते चले जाएं.
बिजनेस फॉर योर वॉल्यूम। अब जो ये जो एक्सप्रेशन है कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी वगैरह कांस्टेंट रहता है, अब कैन यू प्रूव इट? ना क्यों नहीं प्रूव करने में कौन सी बड़ी बात है, क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो है। हाँ ठीक है, तो अगर हम उसका प्रूफ देखें तो प्रूफ में कुछ सीखने को मिल जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सो फ्रॉम बर्नौलीज़ थ्योरम वी कैन कंपेयर टू पॉइंट्स ऑफ अ लिक्विड एज डैश। एक कोई पॉइंट है, दूसरा कोई पॉइंट है, तो एक पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी वन स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो जी एच वन प्लस प्रेशर हो गया पी वन। दूसरी जगह पे काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल होगी रो जी एच टू प्लस पी टू। सही है? अब तुम्हारे मन में अगर यह सवाल आया कि साहब ने रो वन रो टू क्यों नहीं लिखा, तो ये सवाल तुम्हारे दिमाग में नहीं आना चाहिए था। आ गया तो कोई बात नहीं। देखो बच्चों, बहता हुआ लिक्विड, तो लिक्विड तो वही है ना जो बह के जा रहा है, एक पॉइंट ये एक पॉइंट ये है, लिक्विड बह के यहां से यहां पहुंचा, तो जाहिर सी बात है डेंसिटी इज द इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी, तो डेंसिटी पे कोई चेंज नहीं आता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों पॉइंट्स पे क्या है, सेम है, तो ये बदलाव नहीं लिखे जाते हैं। डेंसिटी ग्रेविटी ऑफ टू पॉइंट्स इज सेम, अनलेस एंड अनटिल यहां पे टेम्परेचर कुछ और है, यहां पे टेम्परेचर कुछ और है, टेम्परेचर एक्सट्रीम वेरिएशन में है तो डेंसिटी बदल जाएगी, ध्यान रखना। लेकिन ऐसा कोई केस नहीं रहता है कि बहता हुआ लिक्विड अचानक से गर्म हो गया तो उसमें और भी बहुत सी चीजें चेंजेस हो जाते हैं। तो हमारे पूरे कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चंस में वी ऑलवेज अज्यूम दैट टेम्परेचर रिमेन सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑफ अ फ्लोइंग लिक्विड। ठीक, अब जब ऐसा है तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसको नोट कर लो, तो देखो We can prove Bernoulli's theorem from work energy theorem. क्योंकि भाई work energy theorem किस पर बेस्ड है? Conservation of energy principle पर। तो अगर Bernoulli's theorem conservation energy obey करता है तो work energy theorem से भी इसको prove किया जा सकता है। तो कैसे करते हैं इसको लिख लो फिर देखते हैं। दो पॉइंट्स ले लीजिए, पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू, ग्राउंड या मान ग्राउंड दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, ये हाइट होगी एच वन, इस पॉइंट की हाइट होगी ग्राउंड से एच टू। ये क्या है? ये है ग्राउंड लेवल। इस पॉइंट पे पानी वेलोसिटी है वी वन, इस पॉइंट पे वी टू, यहां का प्रेशर है पी वन, यहां का प्रेशर है पी टू। तो क्या जानते हो, लिक्विड फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पी वन से पुश किया जा रहा है पी टू तक जा रहा है। तो बच्चों याद रखो, एज वी नो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम
वर्कडन बराबर चेंज इन एनर्जी, डेल्टा क्या है, चेंज इन एनर्जी। वर्क को अगर हम देखें थर्मोडायनेमिक्स में, बच्चों पढ़ते थे कॉन्सेप्ट पी डेल्टा वी, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, या ऐसे कह सकते हो किसी भी फ्लूड के पीवी में अगर कोई कोई परिवर्तन हुआ है तो हम कहते हैं वर्कडन होगा। इट कैन बी रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और इट कैन बी रिस्पेक्ट टू प्रेशर। मतलब बात को समझना, पीवी में अगर कोई चेंज हुआ है तो आइदर पी डेल्टा वी हमें देगा वर्कडन, या सेम वॉल्यूम अंडर टू डिफरेंट प्रेशर जा रहा है तो लिख देंगे वी इंटू डेल्टा पी, बोथ मीन्स द सेम, दोनों ही इक्वल टू क्या आएगा, वर्क डन। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते थे कि एक गैस को वी वन वॉल्यूम से हमने वी टू वॉल्यूम में कंप्रेस कर दिया, या वी टू से वी वन उसको एक्सपेंड होने दिया अंडर द सेम प्रेशर पी, तो वर्डन का फॉर्मूला हो जाता था पी वी टू माइनस वी वन, दैट इज पी डेल्टा वी। यहां पे हम कंप्रेशन या एक्सपेंशन वॉल्यूम चेंज होते थे अंडर कॉन्स्टेंट प्रेशर। उसी कॉन्सेप्ट को बच्चों समझ लो कि आइदर यू कैन राइट पी डेल्टा वी इफ द वॉल्यूम इज चेंजिंग, और सेम वॉल्यूम अंडर डिफरेंट प्रेशर तो यू कैन ऑल्सो राइट डेल्टा पी इंटू दैट इज इक्वल टू वर्क डन। ये बात ध्यान रखना। तो अब हमारा यहाँ पे सेम वॉल्यूम ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू टू अंडर टू प्रेशर्स पी वन एंड पी टू, और पी वन से पी टू जा रहा है तो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो जहां वर्क लिखा वाले कहेंगे हम सेम वॉल्यूम अंडर टू अंडर अ प्रेशर डिफरेंस वी डेल्टा पी, और एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो दो एनर्जी में चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में चेंज एज वेल एज पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, तो इसको लिखेंगे चेंज एनर्जी में पार्शियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्शियल चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। इस स्टेटमेंट से बच्चों आप एक लाइन में पूरा गौसरम प्रूव कर लेते हैं, कैसे, v इनटू डेल्टा p क्या लिखेंगे, हायर प्रेशर माइनस लोअर प्रेशर p1 माइनस p2, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल यानी हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर प्लस पोटेंशियल चेंज फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यानी MgH2 माइनस MgH1, MgH2 माइनस MgH1, करेक्ट। अब ये वॉल्यूम को नीचे भेज दो, क्या लिखा है, P1 माइनस P2 हाफ M बाय V V2 स्क्वायर माइनस हाफ m by v v1 square plus mgh2 upon volume minus mgh1 upon volume, जहां जहां mass upon volume लिखा उसको क्या लिखते हैं बच्चों, density लिखते हैं, क्या लिखते हैं, density। तो this is ground, तो क्या लिखा हुआ है, p1 minus p2 is equal to half rho v2 square minus half rho v1 square plus rho g h2 minus rho g h1। अब क्या करो बच्चों, वन वन वाले टर्म सारे इकट्ठे कर लो, टू वाले उधर ले जाओ, तो इसको और इसको उधर ले जाओगे तो यहां लिख दे रहे फाइनल रिजल्ट, p1 plus half rho v1 square plus rho g h1 इक्वल टू पी टू, चला गया पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर प्लस रो जी एच टू, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका बर्नौलीज थ्योरम का प्रूफ, यानी दो पॉइंट्स की प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल पर यूनिट वॉल्यूम का प्रोडक्ट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। क्या यूज किया हमने, हमने यूज किया वर्क एनर्जी थ्योरम को, वर्क बराबर
v into delta p, या अगर वॉल्यूम बदलना होता तो p डेल्टा v भी लिख सकते हैं, या अगर सेम वॉल्यूम अंडर डिफरेंट प्रेशर है तो v into delta p भी लिख सकते हैं। और क्या क्या चेंज आ रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी, तो उसको लिख दिया वर्गन बराबर पार्शियल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस पार्शियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और उसके बाद सिर्फ एक लाइन लिखी हमने, और उसके बाद उसको मैनिपुलेट करके पॉइंट वॉल्यूम कन्वर्ट करके वी गेट द रिजल्ट। इसको नोट कर लीजिए। एक बात याद रखना होती, बर्नौलीज थ्योरम इसको एज एग्जांपल कर लेते हैं। बर्नौलीज थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर नॉन विस्कस लिक्विड्स which are at rest only, which are in motion only, both for the liquids at rest or in
सी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी कैन बी ट्रू। चौथा कह रहा है ओनली फॉर विस्कस लिक्विड्स इन मोशन। तो बर्नौली थ्योरम किसके लिए है? तो पहला ऑप्शन कह रहा है विच आर एट रेस्ट ओनली, जो रेस्ट पे उन्हीं के लिए। दूसरा कह रहा है जो मोशन उन्हीं के लिए। तीसरा कह रहा है दोनों के लिए, बोथ फॉर द लिक्विड एट रेस्ट और इन मोशन। और चौथा कह रहा है ओनली फॉर विस्कस लिक्विड इन मोशन, है ना। तो चौथे ऑप्शन की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, उसको जाने दो, है ना। चौथे का क्या मतलब है यहाँ पे? अब बात, क्योंकि नॉन विस्कस के लिए तो विस्कस हो नहीं सकता, तो चौथा तो रूल आउट हो गया। अब बचा ए बी सी, तो इसमें कुछ बच्चे सी लगा देते हैं, कुछ बच्चे बी लगाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्लूइड इन मोशन चैप्टर चल रहा है, हाइड्रोडायनेमिक्स चल रहा है, जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन ही तो सही होगा। लेकिन इसका सही आंसर बच्चों थर्ड ऑप्शन। इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लिक्विड एट रेस्ट और इन मोशन। तो कैसे, इसी बात को समझने के लिए हमारा इस क्वेश्चन का आंसर सी क्यों आ रहा है, इसको समझने के लिए हमारा एप्लीकेशन शुरू हो जाता है स्टेप बाय स्टेप, और हमें बर्नौली थ्योरम पूरा समझ में आ जाता है। क्या करना है, कैसे करना है, देखो इस क्वेश्चन का आंसर आप जानने के लिए हम पहले समझेंगे हेडिंग को। इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम। इसमें पहला है प्रेशर एट द बेस ऑफ लिक्विड कॉलम। तो देखो बच्चों, प्रेशर एट द बेस ऑफ अ लिक्विड कॉलम तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो फ्लूइड एट रेस्ट में, जहां पे हमने इसके बेस पे प्रेशर निकाला था। और इसके बेस से प्रेशर निकालने का हमारा जो फॉर्मूला था हमने यूज किया था mg by a, और इसको सॉल्व करके हमारा प्रेशर का रिजल्ट आया था rho g h। होपफुली ये आपको याद होगा। इसमें कोई बर्नौली थ्योरम नहीं लगाया था, सिंपल f अपॉन a, f की जगह mg और mg by a किया, तो ये रिजल्ट आ गया था, ये हम ऑलरेडी जानते हैं। अब बच्चों हम अगर बर्नौली थ्योरम लगाते हैं इस स्टैटिक लिक्विड के लिए और यही रिजल्ट मिल जाता है, इसका मतलब बर्नौली थ्योरम इज एप्लीकेबल फॉर बोथ लिक्विड एट रेस्ट एंड लिक्विड इन मोशन। नाउ इसी लिक्विड के लिए हम बर्नौली थ्योरम कैसे लगाएंगे, इसको ध्यान से देखना समझना। हाइड्रो कैपिटलिस्ट ले लें, क्यों लें, कैपिटलिस्ट बाद में भी काम आएगा, ये कैपिटलिस्ट ले लेते हैं हाइट, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी एक और आगे एप्लीकेशन आएगा नंबर टू, वहां ही कैपिटलिस्ट लेने से स्मॉलेस्ट कैपिटलिस्ट दो हाइट्स हो जाएंगे। खैर आ जाओ यहां पर, ए के टॉप मोस्ट पॉइंट है ए और एक टॉप बॉटम मोस्ट पॉइंट है बी। इन दो पॉइंट्स की दो एनर्जी, तीन एनर्जी, जितनी भी एनर्जी हो उन्हें हमको इक्वल कर देना फ्रॉम बर्नौली थ्योरम, ठीक है। तो ए पे क्या है बच्चों, ए पे हमारा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ठीक, ए पे क्या हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट। बी पे आ जाओ तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बी पर भी है, लेकिन यहां पर एक प्रेशर और होगा इस लिक्विड पर, जैसे जो इसके ऊपर दबाव डाल रहा है, इसके वजह से एक और प्रेशर होगा, इसको कहते हैं P। तो कैपिटल P क्या है, प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड इन द कॉलम। वो है P। तो क्या दिखा तुमको बच्चों, A का प्रेशर P नॉट है
बी का प्रेशर पी नॉट प्लस पी है। अब ये जो लिक्विड कॉलम का जो प्रेशर है यही तो हमें निकालना है, और इसका फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं रो जी एच, लेकिन फॉर्मूला कहां से पता चला था हमको, एम जी बाय ए से, यानी फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, कोई बर्नौली थ्योरी बात नहीं हुई थी। अब हम यही एक्सप्रेशन निकालेंगे, यही आना चाहिए, और क्या लगाएंगे हम बर्नौली थ्योरम, क्या कहता है, दो पॉइंट की फॉर ए एंड बी, दो पॉइंट की सारी एनर्जीज इक्वल कर दो। तो क्या बच्चों ए पे काइनेटिक एनर्जी है, कह दोगे नहीं क्योंकि लिक्विड एट रेस्ट है। बी पे काइनेटिक एनर्जी है, नहीं है। क्या यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है, बिल्कुल है क्योंकि हाइट एच पे है। क्या पोटेंशियल एनर्जी है, नहीं है क्योंकि यहाँ हाइट जीरो है, क्योंकि हम इसी को ग्राउंड लेवल मान रहे हैं, जैसे अबाउट ग्राउंड। तो बस करते जाओ, पहले ए के लिए प्रेशर एनर्जी पी नॉट, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी रो जी कैपिटल एच, ये तो हो गया ए पर। प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ए पर इक्वल टू बी पर प्रेशर एनर्जी पी नॉट प्लस कैपिटल पी, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। पोटेंशियल एनर्जी जीरो क्यों है भैया, क्योंकि हाइट नहीं है ना यहाँ पे, हाइट जीरो है। तो अब दो चीज में सामने है, पी नॉट ये तो क्या बी के लिए, पी नॉट प्लस रो जी कैपिटल एच इक्वल टू पी नॉट प्लस कैपिटल पी, यू गया ए यू गया बी। पी नॉट इधर लाओ, माइनस हो जाएगा जीरो, बचा क्या रो जी एच बराबर पी, यानी इस पॉइंट का प्रेशर कितना आ रहा है बच्चों, रो जी एच। क्या हमने कोई एम जी अपॉन ए फॉर्मूला लगाया, नहीं, हमने सिर्फ क्या किया, दो पॉइंट्स की टोटल एनर्जी को इक्वल कर दिया। फिर से देख लो, ए पॉइंट जो सरफेस पर है यहाँ पे क्या है, इसका एटमोस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ये मोशन में नहीं है तो काइनेटिक जीरो है, ये यहां से यहां तक एच हाइट पे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है रो जी कैपिटल एच। बी पे आ जाओ, बी पे प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर भी है प्लस इतना जो वेट प्रेशर पड़ रहा है वो भी प्रेशर है, तो यहाँ पे दो प्रेशर हो गए, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस इस लिक्विड का प्रेशर कैपिटल पी। क्या ये मोशन में है, नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो। क्या इसकी कोई ग्राउंड से हाइट है, नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड यहीं पर लिया गया, हाइट जमीन पर रखा हुआ, तो यहाँ हाइट नहीं है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो। तो हमने अल्टीमेटली क्या लगाया बच्चों, हमने अल्टीमेटली लगाया है प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस रो जी एच शुड बी कांस्टेंट, हमने बर्नौली थ्योरम का जो बेसिक है वो लगाया है। तो यहाँ पे ए पे प्रेशर क्या लिख दिया हमने, पी नॉट, काइनेटिक एनर्जी का लिख दिया जीरो क्योंकि मोशन नहीं हो रहा, पोटेंशियल जगह पे रो जी एच क्योंकि हाइट कैपिटल एच, बी पॉइंट हमने लिखा प्रेशर कितना है, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ड्यू टू द लिक्विड कॉलम, तो हमने लिखा पी नॉट प्लस कैपिटल पी, काइनेटिक एनर्जी नहीं है जीरो, पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं है जीरो। उसके बाद क्या लिखा, पी नॉट प्लस रो जी एच इक्वल टू पी नॉट प्लस कैपिटल पी, पी नॉट इधर लाएंगे, पी नॉट माइनस पी नॉट हो जाएगा जीरो, बचेगा क्या पी बराबर रो जी एच, पी बराबर रो जी, दिस इज योर आंसर। तो क्या पता चला कि बर्नौली थ्योरम कैन बी एप्लीकेबल, कैन बी अप्लाइड फॉर बोथ लिक्विड्स इन मोशन और लिक्विड एट रेस्ट। इसको लिख लीजिए, फर्स्ट एप्लीकेशन, सिंपलेस्ट एप्लीकेशन, इसको चाहो तो हटा दो, चाहो तो लिखा रहने दो, ये हम ऑलरेडी जानते हैं, ये हमारा कॉन्सेप्ट था हाइड्रोस्टैटिक्स में, इतना हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज जो पढ़ा हमने ये पढ़ा, दो अलग अलग अप्रोच से, दो अलग अलग अप्रोच से सेम रिजल्ट पा रहे हैं, ये अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है, एंड रिजल्ट सेम है, तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सर ये क्यों लिखा है, बेटा ये से लिखा है कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हाइड्रोस्टैटिक्स में, यहां पे हमने बर्नौली थ्योरम लगाया है और वही रिजल्ट आ रहा है। सर यहाँ पोटेंशियल जीरो क्यों है, क्योंकि ये ग्राउंड पॉइंट है, ग्राउंड है तो यहाँ पे हाइट नहीं है, हाइट नहीं है तो पोटेंशियल जीरो है। सर काइनेटिक एनर्जी
बेटे मेरे लाल, इसके पास वेलोसिटी नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है। इसी तरह से यहां भी काइनेटिक नहीं है लेकिन पोटेंशियल इसलिए क्योंकि हाइट एच पर है। तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट है। तीन एनर्जीज आपको ढूंढनी है और उन्हें इक्वल कर देना है दो पॉइंट्स के बीच में। यहां दो पॉइंट कौन थे? ए और बी। इसको लिख लो। फिर अगला एप्लीकेशन जो है वो तुम्हें बहुत इजी लगेगा, वो सेम इसी तरह का ही है लेकिन एक और थ्योरम बन जाता है। इसको नोट कर लो फटाफट। अब देखो बच्चों सेकंड एप्लीकेशन। सेकंड एप्लीकेशन बच्चों लॉस्ट, या ऐसा करते हैं इसका नाम डालते हैं टॉर्सलीज थ्योरम। टॉर्सली इनके बारे में पहले भी एक बार देख चुके हैं। टॉर्क इनके नाम का टॉर्क जो टर्म को दिया गया था टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ प्रेशर 1 mm ऑफ Hg इज आल्सो रिफर्ड एज 1 टॉर्क टेकन फ्रॉम द सरनेम ऑफ साइंटिस्ट इवान लिस्टा टॉर्सली। तो टॉर्सलीज थ्योरम से एक रिजल्ट आता बच्चों, जिसे कहते हैं वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स। और ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है एज फार एज द न्यूमेरिकल्स आर कंसर्न। ठीक, तो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स एंड व्हाट इज टॉर्सलीज थ्योरम? तो ये दोनों बातें एक ही बात से समझ सिमट जाती हैं, समझ में आ जाती हैं व्हेन वी नो
बर्नौली स्थिरम, ठीक है ना। बर्नौली स्थिरम अगर आपको पता बच्चों तो आपको सारी बातें पता ही समझ। ये कंटेनर है, वही वाला कंटेनर लिक्विड कॉलम था जहां पे भी हमने यहाँ पे प्रेशर निकाला था रूचि, उसी को थोड़ा सा इलेबोरेट कर देते हैं। इस लिक्विड कॉलम में बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, एक होल बना देंगे और होल से क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि पानी बाहर निकलेगा। होल बनाते हैं साइड वॉल पे, सपोज करो ये बना दें, ठीक। आप फिर से वही दो पॉइंट ले लें, पॉइंट ए और पॉइंट बी यहां पे ले लिया, और जो पानी यहां से निकल रहा बच्चों ये, इस पानी की वेलोसिटी को ही हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स, VE। तो ये पॉइंट बी था, ध्यान से समझना कुछ डिटेल्स ने जो डायग्राम के उनको आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इसी में कंफ्यूज करके आपको आता हुआ क्वेश्चन गलत करवा देगा। पहली बात, इस लिक्विड कॉलम की टोटल हाइट है कैपिटल एच, जो अभी हमने पढ़ा। दूसरी बात, स्मॉल एच हाइट जो हम लोग ले रहे हैं या जो बुक्स में दी जाती है, जिसके हिसाब से हमारे एक्सप्रेशन आते हैं, वो स्मॉल एच हमने ली है फ्री सरफेस से फ्रॉम द टॉप, यानी ये फ्रॉम द फ्री सरफेस, स्मॉल एच फ्रॉम द फ्री सरफेस, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड, ये ध्यान रखना। तो ग्राउंड से ये हाइट कितनी बची, जाहिर सी बात है ग्राउंड से हाइट बची कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ठीक। यस, अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान देने वाली क्या है कि यहां पर जो प्रेशर है कौन सा है, ए पॉइंट पे प्रेशर है कौन सा है, तो देखो सर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसा कि अभी हमने देखा था। अब समझो बच्चों, अगर पॉइंट भी यहां होता तो इस पॉइंट के ऊपर इस लिक्विड का दबाव होता तो प्रेशर होता पी नॉट प्लस पी, लेकिन अब पॉइंट यहां नहीं, यहां पर है और इस पॉइंट के ऊपर कोई लिक्विड नहीं है, यानी ये पॉइंट भी कहां गया, हवा में आ गया, जैसे ये हवा में वैसे ये भी हवा में है। तो यहां का प्रेशर क्या है बच्चों, यहां का प्रेशर भी है पी नॉट। अगर ये पॉइंट हम यहां अंदर कर दें, समझना अंदर बाहर में क्या फर्क है, अगर ये पॉइंट हम यहां कर दें तो इस पॉइंट प्रेशर हो जाएगा पी नॉट प्लस कैपिटल पी, इतने लिक्विड का प्रेशर आ जाएगा। लेकिन ये पॉइंट हम कर दिए बाहर, खुले छज्जे पे खड़े हैं, ये भी छत पे खड़े हैं, इनके ऊपर आसमान है, ये छज्जे पे खड़े हैं, इनके ऊपर भी आसमान है। अगर कमरे के अंदर होते, छज्जे पे ना होते, कमरे के अंदर होते, तो कमरे के अंदर का जितना भी वॉल्यूम है उसका प्रेशर यहाँ पे लेते, लेकिन ये भी खुले आसमान के नीचे, ये भी खुले आसमान के नीचे, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट, ये डिफरेंस है पिछले वाले कॉन्सेप्ट में। पहले पॉइंट यहाँ था या यहाँ था, तो इसके ऊपर जितना लिक्विड है उसका दबाव पड़ रहा था, लेकिन पॉइंट यहाँ पर है तो इसके ऊपर भी खुला आसमान है, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर। तो इस पॉइंट ए और बी का प्रेशर का जो कॉन्सेप्ट, दोनों क्या हो गया, सेम, दोनों प्रेशर क्या है इस वक्त, सेम है, ये ध्यान रखना बच्चों। अब चलते हैं बर्नौली थ्योरम से, फ्रॉम बर्नौली थ्योरम जो दिख रहा है वो बताते हैं। ए और बी की टोटल एनर्जी पर एंड वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर एंड वॉल्यूम को हम इक्वल करने जा रहे हैं कहां, ए और बी की, समझ रहे बात को, दिस इज टीटी टोटल एनर्जी पर वॉल्यूम ऑफ ए पर वॉल्यूम ऑफ बी। तो क्या क्या लिखते हैं हम लिखते हैं प्रेशर एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दो पॉइंट्स, करेक्ट। तो लेट्स मूव अकॉर्डिंगली, ए का प्रेशर पी नॉट, ए की काइनेटिक एनर्जी जीरो बिकॉज ये मूव नहीं कर रहा, ए की पोटेंशियल एनर्जी बच्चों क्या है, रो जी कैपिटल एच। याद रखना पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट होती है, अब समझना क्योंकि कंफ्यूजन आजकल भी हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में जो हाइट होती है वो हाइट हमेशा कहां से लेते हैं बच्चों, ग्राउंड से लेते हैं, हाइट इन द पोटेंशियल इज ऑलवेज टेकन फ्रॉम द ग्राउंड नॉट फ्रॉम द फ्री सरफेस। तो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आती है, हमेशा ग्राउंड से ली जाती है, ध्यान रखना। तो ए के लिए प्रेशर एनर्जी पी नॉट, काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी रो जी कैपिटल एच।
आ जाओ बी पर, बी पर फ्रेश एनर्जी पी नॉट, काइनेटिक एनर्जी, हाँ भैया वेलोसिटी पानी बह रहा है तो काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कहां से ली जाती है, हाइट कहां से ली जाती है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, एच माइनस एच, तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी होगी रो जी एच माइनस स्मॉल एच, रो जी एच माइनस स्मॉल एच। क्यों, क्योंकि हाइट हमेशा पोटेंशियल एनर्जी में हाइट हमेशा कहां से लेते हैं, ग्राउंड से लेते हैं, एच माइनस स्मॉल एच। ये आ गया हमारा बर्नौली थ्योरम से दो पॉइंट्स का कॉन्सेप्ट। अब क्या करें, अब देख लो कि पी नॉट तो कैंसिल हो गया, जीरो हो जाएगा, क्या बचा इधर, रो जी कैपिटल एच इक्वल टू, इधर क्या लिखा है, हाफ रो वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स का स्क्वायर प्लस, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, रो जी कैपिटल एच माइनस रो जी स्मॉल एच। अब ये रो जी एच इधर और ये क्या हो गया, माइनस जीरो हो गया। अब इस रो जी एच को इधर ले आओ, ट्रांसपोर्ट कर दो, तो अब रिजल्ट आ गया क्या, स्मॉल रो जी स्मॉल एच बराबर हाफ रो वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का स्क्वायर। और क्या दिख रहा है, रो और रो कैंसिल हो गए, फाइनल रिजल्ट बच्चों यहां लिख दे रहे हैं, टू का मल्टीप्लाई करो क्या आ जाएगा, टू जी एच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का स्क्वायर। सो व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, फाइनल रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हो गई अंडर रूट टू जी एच। ये आ गया रिजल्ट हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स, यानी कि द वेलोसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग फ्रॉम अ नोजल एट अ हाइट स्मॉल एच फ्रॉम द फ्री सरफेस। ध्यान रखना ये जो वेलोसिटी में जो हाइट है बच्चों ये टॉप से है, फ्री सरफेस से, ग्राउंड से नहीं है, क्लियर हुआ। तो ये नोट कर लो, ये है सेकंड एप्लीकेशन। चेंज क्या हो गया कि जैसे ये पॉइंट ऊपर खुले आसमान में एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वैसे ये पॉइंट भी खुले आसमान में, तो प्रेशर कौन सा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ठीक बात। और दो पॉइंट्स की पोटेंशियल प्रेशर एनर्जी पॉइंट वॉल्यूम, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सेम। यहां पे सर आपने एच माइनस एच क्यों लिया, बच्चों पोटेंशियल एनर्जी जो हाइट होती है हमेशा फ्रॉम द ग्राउंड होती है, ग्राउंड से आप कितनी ऊंचाई पर हैं, ग्राउंड्स कितनी ऊंचाई पर है, तो ये पॉइंट ग्राउंड्स कितनी ऊंचाई पे, एच माइनस एच पर, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई रो जी एच माइनस एच। ये पॉइंट ग्राउंड्स कितनी ऊंचाई पे था, कैपिटल एच, तो क्या हो गया था, रो जी कैपिटल एच। यहां पे क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां भी क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये पॉइंट अंदर होता तो क्या होता, पी नॉट प्लस पी होता, लेकिन पॉइंट बाहर है तो पी नॉट। एनीथिंग एल्स, काइनेटिक एनर्जी यहां पे जीरो है, इक्वेट कर लो, नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर न्यूमेरिकल की बात करेंगे बच्चों तो न्यूमेरिकल इसी से बनते हैं, टॉसलीज थ्योरम से।
बच्चों तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ आप रिजल्ट तो हमें पता चल गया कि वेलोसिटी इतनी है इसकी, इस नोजल से पानी निकल रहा है, पानी निकल के ऐसा जाएगा नहीं, जाहिर सी बात है ऐसे गिर, तो ये क्या शुरू हो गया, ये तो शुरू हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर, प्रोजेक्टाइल मोशन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टॉवर वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। सिंबल्स जो यूज है वो आप याद रखें, कैपिटल एच पूरी हाइट, स्मॉल एच हाइट फ्रॉम द फ्री सरफेस, और ग्राउंड से हाइट कितनी दिख रही है, एच माइनस स्मॉल एच। तो बच्चों जो पानी यहां ग्राउंड पे गिर रहा है इसकी रेंज क्या होगी, ठीक है। तो टॉवर वाला जो कॉन्सेप्ट था 2D में, ये बॉल को ऐसे फेंकते थे, हॉरिजॉन्टल थ्रो करते थे किसी भी टॉवर एच हाइट का, तो जो रेंज आती थी बच्चों उसका फॉर्मूला था यू अंडर रूट 2h बाय। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे कि जहां u है u की जगह पे, जहां u है u की जगह पे वेलोसिटी फ्लक्स हो गया, और जो टावर की हाइट h हुआ करती थी ग्राउंड से, जो टावर की हाइट हुआ करती तो वहां कितनी होगी h माइनस h, बाकी सब चीजें पता है। तो रेंज का रिजल्ट बच्चों यहां लिख रहे हैं, रेंज इज इक्वल टू u की जगह लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए फ्लक्स अंडर रूट 2h, h क्या लिखेंगे ग्राउंड से, कैपिटल h माइनस स्मॉल h। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, अंडर रूट 2g स्मॉल h इनटू क्या है, अंडर रूट 2 बाय g h माइनस h। दोनों ने अलग अलग रूट लगा रखा है, तो अलग अलग छतरी लेके क्यों खड़े हो भाई, एक ही छतरी में आ जाओ, दो बातें भी हो जाएंगी। तो कॉमन रूट लगा दो, 2gh इंटू 2/g एच माइनस एच, जी और जी कैंसिल, 2 2 4, 4 का रूट बाहर निकाल लो, तो बच्चों रेंज का रिजल्ट आ गया 2 अंडर रूट स्मॉल h ब्रैकेट एच माइनस स्मॉल, दिस इज द रेंज कवर्ड बाय द लिक्विड फ्लोइंग आउट फ्रॉम दिस नोजल। तो ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, इसके लिए आपने क्या यूज किया है, आपने इसके लिए मोशन इन 2D का ये कॉन्सेप्ट लगा दिया। इसको नोट कर लो,
जी बच्चों, इसको लिख करके आप लॉग आउट कर सकते हैं, क्योंकि अब इसके एप्लीकेशन एंड न्यूमेरिकल वाले पार्ट में जाएंगे, कुछ और डेरिवेशन आपको दिखाएंगे जो 11th की बुक में नहीं रहते हैं, वो वाले डेरिवेशन उसके उसके कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या बन रहा है। ठीक, इसको लिख के लॉग आउट कर सकते हैं और इसके आगे पढ़ेंगे अगले वाले क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।